आपके पास पोको X4 Pro है या फिर 5 Pro है या फिर 5 है, तो उसके अंदर आप अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन रिंगटोन कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि कोई भी नोटिफिकेशन या मैसेज आता है तो उसका रिंगटोन कैसे चेंज कर सकते हो। तो उसको करने के लिए सबसे पहले तो आप जाएंगे सेटिंग पे, नीचे सेट जाना है और यहाँ पर आपको दिख जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर आपको टैप कर लेना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा नोटिफिकेशन, इस पर जैसे ही टैप करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो जो भी आपको रिंगटोन लगाना है ऐसे आपको चूज़ कर लेना होता है। बाकी यहाँ पर आपको कैटेगरीज दिया जाएगा, अगर कैटेगरीज का करना है तो कैटेगरीज पे टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरीज दिया जाता है, जैसे कि सैड लगाना है या पार्टी लगाना है, जो भी लगाना है ऐसे आपको जाना है। जैसे कि मैं सैड लगा देता हूँ, ऐसे सैड पर टाइप करोगे ठीक है। अब सेट करना है तो आप इस पर टैप करोगे, ऐसे डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर आपका डाउनलोड के होके अप्लाई हो जाएगा। बाकी मान के चलो जिन्होंने डाउनलोड किया है वो चाहते हैं कि मैं डाउनलोड जो कर रखा हूँ उसको लगाना है, तो उसको लगाने के लिए आपको करना क्या होता है, बैक करना होता है। यहाँ पर आपको देखिए अगर चूज़ लोकल रिंगटोन, इस पर जाना है, ऑडियो फाइल पर चले जाना है। अब जो भी आपने कर रखा हो यहाँ पर आपका शो कर जाएगा, जैसे कि मैं नोटिफिकेशन के लिए लगा रखा हूँ तो ऑलरेडी मैंने आईफोन का नोटिफिकेशन साउंड डाउनलोड कर रखा है। आपको करना क्या, ओके करना है, जैसा आपका हो जाएगा। बाकी इस पर आपको टैप कर लेना है ठीक है। अब जो भी नोटिफिकेशन आएगा ये बजना चालू हो जाएगा। अब करने के लिए आपको वापस अप्लाई कर देंगे ऐसे, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आपको अप्लाई कर देना होता है। अब करने के बाद बैक करेंगे, वापस से बैक करेंगे तो जो आपने अप्लाई कर रखा होगा उसका रिंगटोन का नाम यहाँ पर आपका शो कर जाएगा। तो इस तरह से अपने फ़ोन में कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।